इस रूम में मैं अकेला हूँ और ये फ्लोर में भी कोई नज़र नहीं आ रहा है मुझे, और ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत बड़े एक महल के अंदर, एक बहुत बड़े एक इसके अंदर मैं अकेला फंस गया हूँ वैसा। फाइनली हम पहुँच गए हैं एक चैपल, जहाँ पे लोग, यहाँ पे जो लोग थे वो सारे प्रेयर करने आते थे। आप लोगों को दिखाता हूँ। उस ज़माने के पेंटिंग्स, उस ज़माने के स्कल्पचर्स, ये सारे इस रूम में, ये पूरे हॉल में ये भरा हुआ है। हेलो दोस्त लोग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ट्रैवल हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, हमें अपने कंफर्ट जोन से निकाल कर हमें एक एक जगह लेके जाती है और हमें लोगों से मिलाती है। हम वहाँ के कल्चर सीखते हैं, हम वहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी को जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने मिलता है। वैसे ही आज मैं पहुँच गया हूँ श्लेस्विक, एक पैलेस बोल सकते हैं, म्यूज़ियम बोल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ छुपी हैं जो सालों सालों तक हम याद करेंगे या याद रखेंगे। बहुत सारी हिस्ट्री छुपी है और आज आप लोगों को इस म्यूज़ियम के बारे में, इसके अंदर के बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं दिखाने जा रहा हूँ। सो वेलकम टू यूरोपियन ब्लॉग्स बाय अनीश, और मेरे एक नए वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। मैंने अपनी कार यहाँ पे पार्क की है और चलो हम लोग टिकट काउंटर की तरफ चलते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग एंटर करते हैं। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए इसके अंदर बहुत जो चीज़ें हैं एंड जो उस ज़माने के राजा लोग या उस ज़माने के जो लैंडलॉर्ड्स थे या जो भी थे उन लोग यूज़ करते थे, एंड बहुत बड़ी हिस्ट्री छुपी है। मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा एंड जल्दी ही हम लोग अंदर टिकट लेने के बाद में अंदर चलते हैं। जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं ये हॉल में पहुंचते हैं, इसका नाम है गोथिक हॉल। यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स और जितने भी चीज़ें स्कल्पचर्स रखे हैं, ये सारे 13th और 15th सेंचुरी के बीच में का है। यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं ये 12 चेलों के स्कल्पचर्स हैं, ये सारे 13th और 15th सेंचुरी के हैं, उतने ओल्ड हैं आप जो इमेजिन कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टर जो होते हैं उसका डिफरेंट डिफरेंट रूप है एंड उस ज़माने के पेंटिंग्स, उस ज़माने के स्कल्पचर्स, ये सारे इस रूम में, ये पूरे हॉल में ये भरा हुआ है।
इस हॉल के 3 या 4 रूम्स में पूरे 13th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी के सारे स्कल्पचर्स हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे कितनी डिटेलिंग है हर एक चीज़ में। यहाँ पे जो भी आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर को, और हर एक स्टैचूज को बहुत डिटेलिंग में उसको किया गया है, एंड बहुत अच्छे से किया गया है, और मेंटेन भी कर रहे हैं इसको। हम दूसरे हॉल की तरफ चलते हैं। ये जो हॉल है इसमें बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, और ये सारे पेंटिंग्स बहुत पुराने हैं, और बस ये पेंटिंग्स का एक सेक्शन है, लेकिन सेकंड फ्लोर में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें हैं, तो हम लोग जल्दी यहाँ देख के सेकंड फ्लोर की ओर जाते हैं। और यहाँ पे देखो मार्टिन लूथर का फोटो भी लगाया गया है, क्योंकि उस ज़माने में ये जो नॉर्दर्न जर्मनी या जो जो जगह था वो सारे मार्टिन लूथर के चर्चेस थे यहाँ पे ज़्यादा, या ज़्यादातर लूथरन चर्चेस बोलते हैं जिसको, उसमें थे। ये जो कॉइन्स का कलेक्शन है ये सब 13th, 14th, 15th सेंचुरी में यूज़ किया हुआ है, और ये जो जितने भी ड्राइंग्स आप देख रहे हैं ये सारे हैं। यहाँ पे काफ़ी प्लेट्स भी मैंने देखा। ये सब जो ड्राइंग्स हैं ये बहुत बहुत पुराने ड्राइंग्स हैं, एंड यहाँ पे कॉइन्स मैंने देखा, प्लेट्स मैंने देखा, उस ये जो फर्नीचर्स वगैरह देख रहे हैं, ये जो यूटेंसिल्स देख रहे हैं, ये सारे उस ज़माने के थे। ये कॉइन्स भी काफ़ी पुराने ज़माने में यूज़ किया गया था उस समय के लोगों के थ्रू। इस रूम में उन्होंने एक बाइबल रखा है यहाँ पे। ये काफ़ी पुराना बाइबल है, इसको ओरिजिनल बाइबल कहा जाता है, मतलब वो गुटनबर्ग जो एरिया का कहा जाता था उस ज़माने में, वहाँ का बाइबल गुटनबर्ग बाइबल कहा गया है। चलो हम लोग नेक्स्ट फ्लोर में जाके देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट फ्लोर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी हैं। एक्चुअली इस रूम में मैं अकेला हूँ, और ये फ्लोर में भी कोई नज़र नहीं आ रहा है मुझे, और ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत बड़े एक महल के अंदर, एक बहुत बड़े एक इसके अंदर मैं अकेला फंस गया हूँ, वैसा लग रहा है। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। ये सब यहाँ के जो रॉयल फैमिलीज थी उनके द्वारा यूज़ किया हुआ एक एक चीज़ें हैं। ये मुझे कुछ स्टोरेज बॉक्स जैसा लग रहा है, और वो फैमिलीज़ की फ़ोटोज़ भी यहाँ पे ड्रॉ किया गया है अगर दूसरे दूसरी जगह पे। ये देखिए एक स्केलेटन का कितना डरावना लग रहा है इस चीज़ को देख के, और ऐसे रूम में मैं फंस गया हूँ। बट अच्छी बात है कि मैं ये सब देख सकता हूँ, या ये सब जो पेंटिंग्स हैं या उस ज़माने की जो चीज़ें हैं, जो उन लोग इतने अच्छे से मेंटेन किए हैं कि हमको इसके अंदर रहने से मुझे पता चल रहा है कि उस ज़माने में लोग कितने रॉयल
थे या कितने अच्छे से रहते थे। देखो यहाँ से जो खिड़की है एकदम पार्किंग एरिया सब दिखता है यहाँ से। चलो हम लोग आगे चलते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं एक चैपल जहाँ पे लोग, यहाँ पे जो लोग थे वो सारे प्रेयर करने आते थे। आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों मैं बाहर आ गया। मैं बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें रिकॉर्ड किया, होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे वीडियोस जल्दी ही लेके आए आप लोगों के लिए। और आप लोग बने रहिएगा और अपने दोस्त लोगों को भी बताइएगा, वीडियोस शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत जल्दी ही मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।